अज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मैं आज बच्चों रमज़ान की स्पेशल मकरोनी डिश बना रही हूँ। इसकी अशिया ये है मेरे बच्चों। जी बच्चों, मैंने गोल्डन मकरोनी का एक डब्बा लिया है। फिर मैंने इसको पानी में 6-7 मिनट बॉयल किया है। जब ये अच्छी तरह गल जाए तो फिर इसमें ठंडा पानी डाल के छन्नी में डाल लेना। ठंडे पानी से निकाल कर छन्नी में डाल लेना है। फिर इसमें 2 चम्मच ऑयल डालना है बेटा, ताकि इसकी शाइनिंग आ जाए। ठीक है, ये है मकरोनी। उसके आगे ये बेटा मुर्गी का गोश्त है, तकरीबन 1.25 सीने का गोश्त। और ये सब्जियां बच्चों, 2 शिमला मिर्च बच्चों कटी हुई, आलू उबले हुए 2 बच्चों, और 2 गाजरें उबली हुई बच्चों। ये मटर बच्चों उबले हुए, ये तेल बच्चों, और 2 चिकन क्यूब बच्चों, आज पे ज़रूरत नमक बच्चों, ये बेटा चिल्ली सॉस, ये सोया सॉस, ये केचप बच्चों, सिरका बच्चों, और काली मिर्ची बच्चों। अब इसमें मुर्गी डालेंगे। फ्राई करना है, इसको फ्राई करना है तेल में। ये काली मिर्ची है बच्चों 1 चम्मच, सोया सॉस बच्चों 1 चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा घी है, गर्म हो गया, आप सब्जियां फ्राई करने लगे। मटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चों आलू, पहले मटर डाल लें, अब आलू फ्राई करने के लिए। ये गाजर बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च बाद में करनी है क्योंकि इनका कलर ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको फ्राई करने बच्चों मकरोनियों को। ये काली मिर्च बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोया सॉस बच्चों, ये चिल्ली सॉस बच्चों, ये मुर्गी बच्चों जो फ्राई हुई हुई है बच्चों, मैंने इसको फ्राई कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लोर क्यूब बच्चों 2, ये केचप बच्चों, और भी डाल सकते हैं बच्चों, अभी मैंने एक ही डाली। ये सिक्का बच्चों, सिक्का बच्चों ये शिमला मिर्च बच्चों
अब इसको अखीर में डाला है, इसके कलर ख़राब हो गया। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। गर्म हो गया ना तो आप मखरूनियाँ मैं फ्राई करने लगी हूँ। पहले सब्जियाँ फ्राई की थी, तो सब चीज़ें मिक्स फ्राई की। ये देखो अब मखरूनियाँ फ्राई कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ, दो मिनट तक इसको पकाएं ताकि इनका कच्चा पान चला जाए। बच्चों फ्राई हो गई है ना, अब इसमें जो सारी सब्जी मैंने फ्राई की थी ना मिक्स करके अब वो डालिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बच्चों तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बच्चों तैयार हो गई है। बच्चों देखो तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिश तैयार हो गई है मकरोनियों की। बच्चों ये बच्चों मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दूसरी मकरोनी बनाने वाली हूँ, सलाद वाली मकरोनी है। इसकी अशिया ये है मेरे बच्चों। ये बच्चों ये दूसरी मैं मकरोनी बना रही हूँ। ये उबली मकरोनी है ना बच्चों, इसकी अशिया ये है ना बच्चों मकरोनी की। ये खीरा है बच्चों, मटर है बच्चों उबले हुए, और शिमला मिर्च है बच्चों, और ये गाजर है बच्चों, ये पुदीना। इसमें हसबी ज़रूरत नमक बच्चों, और ये काली मिर्च बच्चों, और ये बेटा फ्राई हुई हुई मुर्गी। ये बच्चों जैतून का तेल है, ये दो चम्मच डालना है। ये चिली सास है बच्चों, ये सोया सास है बच्चों, ये केचप है बच्चों, हसबी ज़रूरत डाल सकते हैं। ये सिरका है मेरे बच्चों। इसको बनाने का तरीका अभी मैं बताती हूँ बच्चों कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका बनाने का तरीका बच्चों, ये मकरोनियों को मैंने खूब उबाला था बेटा, फिर उसको ठंडा पानी डाला था, ठंडे पानी से फिर निकाल लिया था। अब इसमें ये चीज़ें मैं मिक्स करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हरा पुदीना बच्चों, गाजर बच्चों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सलाद वाली मकरोनियाँ हैं बच्चों। शिमला मिर्च बच्चों, उबले हुए मटर बच्चों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खीरे बच्चों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये फ्राई हुई है बच्चों चिकन जो है ना, इसको मैंने फ्राई की है और फिर इसके रेशे कर दिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हसबे ज़रूरत नमक बच्चों। बिस्मिल्लाह रहमान। कम से कम नमक का इस्तेमाल रखा करें बच्चों, ये बीपी आई करता है। बिस्मिल्लाह रहमान। काली मिर्च बच्चों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो चम्मच बेटा जैतून का तेल, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, सलाद में डाल के ज़रूर इस्तेमाल करें रमज़ान में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सोया चिली सास बच्चों, सोया सास बच्चों एक चम्मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चिली सास बच्चों, हसबे ज़रूरत। दो चम्मच डाल दिए, चल कोई बात नहीं।
थोड़ी भरी हुई थी ना बच्चों, अब थोड़े जो बच्चों एक चम्मच ज़्यादा भी डाल सकते हैं बच्चों अपनी मर्जी से। ये सिरका बच्चों, बूढ़ों के बेटा थोड़े हाथ कमज़ोर होते हैं इसलिए, बिस्मिल्लाह सिरका बच्चों मैंने डाला एक चम्मच या दो चम्मच अपनी मर्जी से। सुनो तो वैसे भी सिरका वैसे जिस घर में हो ना उसमें बहुत बरकत होती है, जरूर सल सुनो कर शाद बच्चों। और एक चीज़ भूल गई थी मैं बच्चों, ये सब्ज़ मिर्च लहसुन और सिरके में भिगो कर बच्चों ये इसमें आखिर में डालना है, मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको ये दूसरी मकरोनी तैयार हो गई है बच्चों, ये ज़रूर बनाएं और खाएं, और बहुत नरम भी है बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करनी है बच्चों। ये देखो जैतून का तेल शाइनिंग आ रही है बच्चों, सेहत के लिए बहुत अच्छा है बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मेरी पूरी कोशिश होती है बेटा सादा और आसान और सेहत मन, हम तो जो गज़ा खाते थे सेहतमंद, इसलिए हम कम मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये लिख बच्चों तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों पहली मकरोनी की डिश जो है ना ये फ्राई हुई हुई है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी ये जो सलाद वाली बच्चों मकरोनी है ये फ्राई नहीं हुई हुई बच्चों, सलाद वाली मकरोनी है। इसमें जैतून का तेल और सारी सब्जियाँ इसमें मिक्स की है। ये बेटा तैयार हो गई है, ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्जी वाली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फ्राई हुई हुई बच्चों, ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये दो डिशें मकरोनी की तैयार हो गई हैं बच्चों, बनाना ज़रूर रमज़ान में इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी हैं और मज़ेदार है बेटा। मेरी तरफ से बेटा जी अस्सलाम वालेकुम, फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ज़रूर बनाना बच्चों, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्ला। सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी को लाइक करें।